नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं झारखंड से रिलेटेड मंथली करंट अफेयर्स को। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें अगर आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो सेशन और देखते हैं मंथली करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, माटी के सपूत का प्रीमियर शो 5 अप्रैल 2022 को लोटा कीता में संपन्न हुआ, यह विद्रोह के किस महानायक पर बनी लघु फिल्म है? इसका उत्तर है रघुनाथ महतो। हाल ही में झारखंड के किस जू अथवा पार्क में लुप्त प्राय प्रजाति 7 लोमड़ियों की मौत हो गई? इसका उत्तर है बिरसा जू रांची। 5 अप्रैल 2022 को देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? यह अवार्ड अच्युतानंद मिश्र को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग की ओर से जनवरी 2022 के लिए की गई डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के कितने जिले को शामिल किया गया है? उत्तर है 3 जिले। निम्नलिखित में से किस सांसद ने ग्रामीणों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बुक बैंक की तर्ज पर कंप्यूटर बैंक शुरू की है? इसका उत्तर है संजय सेठ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 12वीं जूनियर नेशनल वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम हॉकी किस टीम से 3-0 से पराजित हुई और उप विजेता बनने में सफल रही थी? इसका उत्तर है हरियाणा से हार गई थी और झारखंड की टीम उप विजेता रही। झारखंड विधानसभा में संविधान के किस अनुसूची अर्थात शेड्यूल के तहत झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता निर्भरता नियम 2006 अर्थात झारखंड विधानसभा रूल्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप ऑन डिफेक्शन 2006 में संशोधन विधानसभा में पारित हुआ? इसका उत्तर है 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची। सिरोमटोली सरना स्थल सौंदर्यीकरण योजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है यानी किस जिले में रखी गई है? इसका उत्तर है रांची जिले में। झारखंड के एक बड़ी आबादी को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के लिए जून माह से कितने रुपए प्रति किलो फोर्टिफाइड राइस देने की झारखंड सरकार की तैयारी है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 रुपये प्रति केजी फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किया गया गुड गवर्नेंस इंडेक्स के ग्रुप बी में झारखंड को कौन सा रैंक दिया गया है? उत्तर है 4th रैंक। नीति आयोग ने 2019-20 के लिए अपने हेल्थ इंडेक्स का 4th एडिशन जारी किया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन यानी ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई। इसमें बड़े राज्यों में ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान यानी रैंक दिया गया है? इसका उत्तर है 13वां। झारखंड का वह जिला जो देश का एकमात्र जिला बन गया जहाँ सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? उत्तर है जामताड़ा। 9वां नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में संपन्न हुआ? इसका उत्तर है रांची। जमशेदपुर के अंशुमन भगत को उनकी किस किताब यानी पुस्तक के लिए मुंबई की संस्था मन ओ मौसमी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक के पुरस्कार से नवाजा है? बुक का नाम है दोस्तों एक सफर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में झारखंड के कितने विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स को कर्नल की मानद उपाधि यानी ऑर्नरी डिग्री से सम्मानित किया है? उत्तर है 2। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, इस न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है वीके गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में दूसरे यानी सेकंड वीमेंस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है धनबाद जिले में। हाल ही में अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है बोकारो। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सूचकांक यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर है 2रा स्थान। झारखंड के किस प्रसिद्ध मंदिर में बलि चढ़ाए गए बकरों से बिजली बनाने की घोषणा हाल ही में की गई है? उत्तर है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा।
झारखंड हाई कोर्ट ने किस जनजाति की बेटियों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उन्हें भी बेटों के समान पैतृक संपत्ति में हक देने का फैसला दिया है? इसका उत्तर है उरांव जनजाति। किस जिले में हॉर्टिकल्चर हब के रूप में स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन की अनूठी पहल चास हाट पहल से महिला किसानों की जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है? इसका उत्तर है पाकुड़। संसद ने किस समुदाय को शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है? उत्तर है भोक्ता समुदाय यानी भोक्ता जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 9 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में निम्नलिखित में से किसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया? तपन पटनायक इसका सही उत्तर है। विश्व दिव्यांग दिवस यानी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के अवसर पर झारखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम ने राष्ट्रीय दिव्यांग त्रिकोणीय T20 क्रिकेट सीरीज का खिताब किसे हरा कर जीता? उत्तर है बिहार। झारखंड सरकार ने हाथियों के उत्पात से मौत पर परिजनों को कितने रुपए का मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है? उत्तर है 6.5 लाख रुपए। झारखंड का कौन सा यूनिवर्सिटी साइबर कोर्सेज लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। झारखंड में WTC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण अनाची में कहाँ किया जा रहा है? उत्तर है धुरवा। झारखंड में वर्तमान में कुल कितने सेंट्रल जेल हैं यानी केंद्रीय कारागार हैं? इसका उत्तर है 7। हाल ही में सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? उत्तर है जमशेदपुर। बहुचर्चित चिरूड़ी गोलीकांड मामले में रांची व्यवहार न्यायालय ने 24 मार्च 2022 को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को अलग अलग धाराओं में अधिकतम कितने वर्षों की सजा सुनाई है? इसका उत्तर है 10 वर्षों की सजा। किस परियोजना के अंतर्गत डैन कुप्रथा मुक्त झारखंड के लिए कार्यशाला हाल ही में आयोजित किया गया? उत्तर है गरिमा परियोजना। झारखंड विधानसभा ने वर्षों से चली आ रही किस प्रथा को खत्म करने का फैसला किया है? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर नन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग यानी NCD स्क्रीनिंग कैटेगरी में झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा। 23 मार्च 2022 को विमोचित पुस्तक विचारों के 11 अध्याय के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ महतो। किस परियोजना के अंतर्गत डैन कुप्रथा मुक्त झारखंड के लिए कार्यशाला हाल ही में आयोजित किया गया? उत्तर है गरिमा परियोजना। झारखंड विधानसभा ने वर्षों से चली आ रही किस प्रथा को खत्म करने का फैसला किया है? उत्तर है मुख्यमंत्री प्रश्नकाल। झारखंड में विद्यालय स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा किस संस्था के संयुक्त प्रयास से क्लीन स्कूल हेल्दी चिल्ड्रेन अभियान 2022 शुभारंभ किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है यूनिसेफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड में कुल कितने टन रेशम का उत्पादन हुआ है? उत्तर है लगभग 900 टन। केंद्र सरकार ने रांची स्थित गेतल सूद डैम में कितने मेगावाट के आधुनिक फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है? उत्तर है 100 मेगावाट। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने झारखंड में अपने परिचालन क्षेत्र में आने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष कोविड संकट छात्रवृत्ति योजना देने की घोषणा की है? उत्तर है CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। हाल ही में झारखंड के धनबाद जिले के निवासी ने लगभग 2 वर्षों के मेहनत के बाद एक रोबोट तैयार किया जो घर, कार्यालय, मॉल, दुकान से चंद सेकंड में कोरोना और अन्य वेरिएंट के वायरस को निष्क्रिय कर देगा। वह रोबोट निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है एविक रोबोट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। झारखंड की किन पहाड़ियों और इसकी तलहटी में जुरासिक काल के अनगिनत जीवाश्म यानी फॉसिल्स मौजूद होने के प्रमाण मिले हैं? राजमहल की पहाड़ियों में दोस्तों इसके फॉसिल्स मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 अप्रैल 2022 को युवाओं के कौशल विकास हेतु राज्य सरकार और किस संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? उत्तर है टाटा स्टील फाउंडेशन। 10 अप्रैल 2022 को झारखंड के देवघर में त्रिकूट रोपवे हादसे
यानी त्रिकूट माउंटेन रोपवे एक्सीडेंट के बाद कौन से ऑपरेशन चलाया गया था? उत्तर है ऑपरेशन जिंदगी। देश में तीसरी सबसे बड़ी बेरोजगारी की फौज झारखंड में है, यह कितने प्रतिशत बताई गई है? उत्तर है 17.13%। हाल ही में आरएलजी इंडिया ने क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स कैंपेन की शुरुआत किस शहर से की? इसका सही उत्तर है जमशेदपुर। महेंद्र सिंह धोनी ने अग्रिम कर के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने रुपए का कर यानी कर भुगतान किया है? उत्तर है 38 करोड़ रुपए। झारखंड में चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को आयोजित किया जाने वाला कौन सा त्यौहार धरती एवं सूर्य के विवाह उत्सव के रूप में मनाया गया? उत्तर है सरहुल। मिथिला सांस्कृतिक परिषद यानी मिथिला कल्चरल काउंसिल का मुख्य वार्षिक उत्सव विद्यापति स्मृति पर्व किस शहर में आयोजित किया गया? उत्तर है बोकारो। झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जिन्हें दिल्ली का लोकायुक्त हाल ही में नियुक्त किया गया है? उत्तर है HC मिश्रा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण रांची में कहाँ किया जा रहा है? उत्तर है धुरवा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 34वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में जनता के पैसों के कथित गबन की जांच का आदेश किसे दिया है? उत्तर है CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। झारखंड गठन के बाद यहां निम्नलिखित में से कौन से पंचायत चुनाव कराने की घोषणा 9 अप्रैल 2022 को राज्य चुनाव आयोग ने किया है? उत्तर है तीसरा यानी तीसरा पंचायत चुनाव। राज्यपाल रमेश बैस की आपत्तियों के बाद झारखंड सरकार को कितने महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में दोबारा पारित कराने होंगे? इसका उत्तर है 3। हाल ही में सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? उसका उत्तर है जमशेदपुर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सरहुल झारखंड के कैदियों के रचनात्मक अभिव्यक्ति शीर्षक वाली पुस्तिका है। झारखंड के विभिन्न जेलों में बंद कैदियों द्वारा लिखे गए कविताओं के संकलन का अंश है। बहुचर्चित चिरुड़ी गोलीकांड मामले में रांची व्यवहार न्यायालय ने 24 मार्च 2022 को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को अलग अलग धाराओं में अधिकतम कितने वर्षों की सजा सुनाई है? उत्तर है 10 वर्षों की। राज्य के पहले ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लॉन्च की घोषणा हाल ही में कहाँ की गई है? उत्तर है आदित्यपुर, जो सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में फोकस स्टेट कैटेगरी में झारखंड को कौन सा पदक मिला था? उत्तर है गोल्ड मेडल। हिट एंड रन से मौत पर झारखंड सरकार पीड़ित परिवार को कितने रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है? 3 लाख रुपए। बहुचर्चित चिरुड़ी गोलीकांड मामले में रांची सिविल कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को निम्नलिखित में से किसे दोषी करार दिया है? योगेंद्र साव और निर्मला देवी को। झारखंड के किस बिल को हाल ही में राजभवन ने वापस कर दिया था? उत्तर है झारखंड मॉब लिंचिंग बिल 2021। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में परिवहन की व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु मंत्री चंपाई सोरेन ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा मार्च 2022 में विधानसभा में की? इसका उत्तर है ग्रामीण बस परिवहन परियोजना। नेशनल स्लिंग शॉट चैंपियनशिप में झारखंड को कुल कितने गोल्ड मेडल हासिल हुए? उत्तर है 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट का 2 दिवसीय आयोजन कहाँ किया गया? रांची में। हाल ही में रांची से 30 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में कर्रा प्रखंड में घुनसुली पंचायत का गुणी गांव क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों आपको बता दें कि इस गांव को नेशनल वाटर अवार्ड प्राप्त हुआ। हाल ही में एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2021-22 के रैंकिंग में झारखंड के 21 स्कूल को शीर्ष 100 स्कूलों में स्थान दिया गया है? उत्तर है जमशेदपुर का लॉयला स्कूल। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तेजस्वनी परियोजना के अंतर्गत वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? धनबाद में। झारखंड के सभी जिलों में 3000 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 वर्षीय योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपये की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है? उत्तर है 100 करोड़। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा झारखंड के हजारीबाग के दहर और सोहरा में 72 वर्ष पूर्व खुदाई से प्राप्त किस धर्म के अवशेष एवं मूर्तियों में लिखी विशेष लिपि के अध्ययन का निर्णय लिया है? उत्तर है बौद्ध धर्म।
हाल ही में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान किस वर्ष में कराए गए भूमि सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति यानी डोमिसाइल पॉलिसी तय करने के मुद्दे पर आदिवासी मूलवासी संगठनों से जुड़े हजारों युवाओं ने रांची में प्रदर्शन किया? इसका उत्तर है 1932 के। हाल ही में एसोचैम यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, जिसमें झारखंड के किस यूनिवर्सिटी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के लिए चुना गया? उत्तर है आईसेक यूनिवर्सिटी। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में देवघर एवं जामताड़ा जिले के 4 प्रखंडों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस सिंचाई योजना को स्वीकृति दी गई? उत्तर है सिकटिया मेगा लिफ्ट इरीगेशन। झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण और किस संस्था के बीच शेरों और बाघों की एक जोड़ी को गोद लेने के लिए 36 लाख रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? उत्तर है CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।